देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें 2^(x-1)+2^(x+1) दिया हुआ था, इज इक्वल टू 320 दिया हुआ था, और हमसे x का वैल्यू पूछ बैठा था, है ना। बड़ा सिंपल है अप्रोच, अभी देखोगे कैसे बनाया जा रहा है। पहले तुमको खुद ट्राई करना चाहिए। देखो इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, एक्सपोनेंट से रिलेटेड, ज्योमेट्री बूस्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसे देखने के लिए तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे एक्सपोनेंट बूस्टर में हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, है ना। तुम डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हो, कभी कभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्लेलिस्ट वगैरह का दे देते हैं, कभी कभी छूट जाया करे तो खुद से भी कोशिश कर लिया करो, थोड़ा प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करो, सारा काम हम ही करें यार। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2^(x-1)+2^(x+1) है ना। यहाँ देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2^(x)/2^1) लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिख सकते हैं ऐसा बताओ, अरे बताओ ना भाई क्यों लिख सकते हैं ऐसा। इसलिए क्योंकि अगर डिवीज़न रहे और बेस सेम रहे बालक, तो पावर जो है ना वो माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक्स माइनस वन जो है ना, इसे फर्दर अगर वापस सॉल्व करें तो वैल्यू यही आ रहा होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग देखो (d/2)/1 है, तो इसे हम लोग चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं (d/2)/1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बालक, लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख लेंगे। प्लस यहाँ हम लोग 2^(x)/(2^x)/(2^1) लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ प्लस था ना, प्लस था तो बेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। देखो अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लिकेशन रहे तो पावर ऐड होना है, ठीक ना, इसीलिए एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था, वी हैव टू टर्म्स हियर। देखो हमारे पास यहाँ दो टर्म है, हमारे पास दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, अरे घूर के देखो तुम्हें दिखेगा, घूर करके अगर देखोगे तो यहाँ भी 2^(x) है और यहाँ भी 2^(x) है, तो यहाँ हम लोग 2^(x) को अगर कॉमन ले ले बालक, तो यहाँ तो 1/2 बचना है, यहाँ 1/2, क्योंकि 2^(x) को वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आना है, प्लस है तो बीच में प्लस डाल देंगे, और यहाँ से 2^(x) अगर हम लोग कॉमन निकाले हुए हैं बालक, तो यहाँ प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा, इज इक्वल टू 320, है ना। यहाँ देखो 2^(x) इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व किया जाए बालक, तो यहाँ 2 अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 1+2 × 2 कितना, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 320। अब देखो 2^(x)/, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया बालक, 5/2 = 320, है ना। तो 2^(x)= देखो ये जो है ना, 2 इधर डिवीज़न में है बालक, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे 320 × 2, और देखो ये 5 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाएगा तो डिवीज़न में, बात क्लियर है। 5 से अगर इसको तुम कैंसिल कर लो तो 5 से 6 बार में कितना, 30 आ जाएगा, और यहाँ से 2 बचा, 2 और 0 = 25, 4 जा, है ना, तो 64 × 2। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2^(x)=128 लिख सकते हैं बालक, 128, और हम लोग जानते हैं कि 128 है जो है ना, ये 2^7 होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना 2^ जो है ना बालक, ओलंपियाड का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2^10 तक तुम्हें वैल्यू याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ 2^(x)= 2^2 हम लोग इसे लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्यों लिखे ऐसा, इससे क्यों नहीं बना पाए, बिकॉज देखो यहाँ से अप्रोच ईजिली लग सकता है। देखो बेस अगर सेम है और बीच में अगर इज इक्वल टू है तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, है ना, एक्स और 7 को सेम होना पड़ेगा, तो एक्स का जो वैल्यू है वो 7 आ गया, और तुम्हें एक्स का ही वैल्यू निकालना था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।